इधर आ जाइए। स्वागतम। थैंक यू। फॉर्मली मिला। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस ऑडियंस मेंबर। Yes, yes, ma'am. I'll just pass you. मेरे साथ मंच पर बैठे हुए सभी कांग्रेस के नेतागण और मेरे सामने बैठे हुए आप सब मीडिया के लोगों को मेरा विनम्र अभिवादन। सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ इन सबका, कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी का, कि उन्होंने मुझे इतना वार्म वेलकम दिया आज के इस दिन पर। आप सबका आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आज आप मेरे सामने कहीं ना कहीं मुझे एनकरेज करने के लिए यहाँ आए, ऐसा मैं समझती हूँ। आज मेरे लिए महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि मैं आज सक्रिय राजनीति में अपना पहला कदम रखने जा रही हूँ। सक्रिय राजनीति कहने का वजह यह है क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जिस परिवार में मेरे बचपन से थिंकिंग जो है, मेरी सोच, मेरी समझ परम पूज्य महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों के विचारों पे टिकी हुई है, बनी हुई है। मेरी पूरी पर्सनैलिटी, थिंकिंग, ये सारी इनके ख्यालों पे निर्भर है। ये अलग बात है कि एक एकेडमिक ओरिएंटेड फैमिली से आके मैं फिल्मों में चली गई और आप सबके बहुत सारे सहकार्य से और लोगों के बहुत सारे प्यार से इतनी बड़ी करियर तय कर पाई, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक सामाजिक तरफ का जो जागरूकता होती है, जो एक हर एक नागरिक में होना ज़रूरी होता है, ये इसकी समझ मुझे बहुत बचपन से मेरे माता पिता से दी गई थी। और मुझे ऐसे लगता है कि जिन लोगों ने हमारी इस लाखों मोलों की आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी, उन्होंने हमको उससे भी बड़ी एक चीज़ दी है, उसके बाद हमारे आज़ादी के साथ क्या करें उसे समझने के लिए, और वो है हमारा संविधान और वो है हमारी लोकशाही, जो कि दुनिया के बेहतरीन लोकशाही में से एक मानी जाती है। और इसका सबसे बड़ा एक बड़ी चीज़ होती है फ्रीडम। हम क्या करें, हम क्या कहना चाहे, हम किस तरह की ज़िंदगी जीना चाहे, उस ख्यालों का फ्रीडम, उनके स्पीच का फ्रीडम, और एक आर्टिस्ट होने के तौर पर मुझे लगता है कि ये फ्रीडम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज एक ऐसा वक्त आ चुका है कि इन सारे चीज़ों पे कहीं ना कहीं सवालिया निशान पैदा हो चुके हैं, कहीं ना कहीं बैठे बैठे लगता है कि ये क्या हो रहा है। और मुझे लगता है भारतवर्ष के बहुत सारे नागरिक, कई सारे नागरिकों के मन में ये सवाल है और बहुत कई सारे सवाल है, और उन सवालों को आवाज़ देने के लिए मैं इस फील्ड में उतरी हूँ। मैं जानती हूँ कि कहीं ना कहीं फिल्मों के सितारे जब राजनीति में आते हैं तो उन्हें उनके ग्लैमर के लिए, उनके नाम के लिए, लोगों को खींचने के लिए बुलाया जाता है, ऐसा समझे, और वो गलत नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि थोड़ी देर के लिए वो सोच बाजू में रखिए, कम से कम मेरे बारे में, क्योंकि ना मैं यहाँ चुनाव के चलते मैंने पार्टी ज्वाइन की है, ना मैं चुनाव के खत्म होने के बाद पार्टी से दूर जाने वाली हूँ। आई एम हियर टू स्टे, आई एम हियर बिकॉज आई बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस, आई बिलीव इन व्हाट इट स्टैंड्स फॉर। मेरे ख्याल से आज के दौर में, जबकि केंद्र में ये पार्टी सत्ता में ना होने के बावजूद, मैं पूरे जद्दोजहद से, मैं पूरे अपने थिंकिंग, मेरे पूरे जो आचार विचार सबके साथ अगर इस कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाहती हूँ। मैंने मेरी ज़िंदगी में कोई चीज़ हाफ हार्टेड नहीं की है, ना मैं ये करना चाहूँगी, क्योंकि जब आप लोगों के बीच उनकी सेवा करने का अंदेशा लेके जाते हो तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैं कहीं जाने वाली हूँ नहीं, मैं यहीं हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बात को शांति से सुनने का, और एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सो वेरी मच। ये मंच देता हूँ। मुझे लगता है 5 बरस में एक या दो या कुछ उदाहरण देना ज़रा मुश्किल हो जाएगा, और उदाहरण देने बैठ जाऊंगी तो रात निकल जाएगी। और आप मेरे मतलब ग्रेट है कि अच्छी चीज़ है कि आप यहाँ पर आज हैं, लेकिन ऐसे कई कई उदाहरण हैं, और एक क्षेत्र में नहीं, बहुत ज़्यादा क्षेत्र में है। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा लेवल तक बढ़ चुकी है, और उसके साथ अगर आपको कोई ज़्यादा
चॉइसेस ही नहीं रहे हैं, तो आप इन सब चीज़ों के साथ वेयर इज द यूथ गोइंग टू गो इफ दे आर रेडी टू वर्क हार्ड इन द गिवन वट एवर दैट दे आर गिवन टू डू, बट दे आर नॉट गिवन मेनी ऑफ द चॉइसेस, दैट बिकम्स अ क्वेश्चन मार्क। एंड ऑनेस्टली आई फील मेरे से ज़्यादा आप सब लोग जानते होंगे कि कितने सारे चीज़ों में और कितने सारे वक्त पे ये जो मैं कह रही हूँ कि फ्रीडम नहीं है, ये कितने बार पिछले 5 वर्षों में हुआ है, मेरे ख्याल से मुझसे ज़्यादा आप जानते होंगे। थैंक यू सो मच। आज के इंट्रोडक्टरी बात के लिए ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन राहुल जी के नेतृत्व के बारे में मैं ज़रूर कह सकती हूँ। मुझे लगता है आज के दौर में हमें ऐसा नेता चाहिए जो सबको साथ में लेकर चलने वाला नेता हो, जो लोगों में भेदभाव ना करे कि आप ये हो तो आप मेरे साथ चलोगे, जो आप वो हो तो आप मेरे साथ नहीं चलोगे, जो सबको समान न्याय देने में, सबको समान अपॉर्चुनिटीज देने में यकीन करता हो, जो वुमेन में उतना ही यकीन करता हो जितना कि मतलब महिलाओं में और उनकी क्षमताओं में। आज मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं जैसे मैंने कहा वो हो या और कई चीज़ें हो, आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि आप कहाँ से आए हो, आपका क्या, आपको किस तरह की देशभक्ति, आपकी देशभक्ति मानी जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। वाकई मैं समझती हूँ कि नेता कैसा हो तो नेता सिंपल लाइनों में ऐसा हो जो सबके सबको साथ लेकर चलने वाला हो, ना कि ये देख के कि कौन कहाँ से आया है और कौन मेरे साथ किस वजह से जुड़ना चाहता है। तो मेरे ख्याल से ये अपने आप में इससे बड़ा नेता का गुण कोई नहीं हो सकता। थैंक यू।